हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज जेट में बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फिर से आ गई हैं वैकेंसियां, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहे। तो बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्तियाँ दिख रही होंगी, जिसमें ये लेटेस्ट भर्ती कृषि सेवा परीक्षा की आई हुई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर A4E1/2020 है, जिसका एनक्लोजर यहाँ पर खुला हुआ है, मतलब जिसका नोटिफिकेशन यहाँ खुला हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, जो भी आपको ज़रूरी है और जो भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन इस नोटिफिकेशन की वैकेंसी का टाइटल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड व्हेन प्रिस्क्राइब्ड फी इज डिपॉजिट, मतलब पहले आपको फीस जमा करनी है तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। भरना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं, आपको upsc.up.nic.in पे जाना है और वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं, यहां पर upsc.nic.in की वेबसाइट खुली हुई है, आपको गूगल पर यही चीज़ टाइप करनी है, upsc.nic.in। गूगल पर जाएंगे आप तो इस वेबसाइट में क्लिक करके यहां पहुंच जाएंगे आप। यहां पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट का एक लिंक फर्स्ट लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो जितनी भी भर्ती यूपीपीएससी के द्वारा निकाली गई है सबकी लिस्ट यहां पर आपके सामने खुल जाएगी। यहां पर यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई तीन टैब होंगे, आपको तीनों को ध्यान से देखना है। यूज़र इंस्ट्रक्शन यानी कि पहले आपको देखना है कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए। आप वीडियो देख लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही फॉर्म को भरें। उसके बाद हम बात करते हैं व्यू एडवर्टीजमेंट की, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पर खुला हुआ है ये यहाँ से जा करके आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको जा करके यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको यहीं इसी लिंक पर जाना है, किसी दूसरे लिंक पर जा करके आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये बात होगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, बात करते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या बहुत ज़रूरी जानकारी है। फीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पे स्केल आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको बताना होगा कि क्या आपने इससे पहले लोक सेवा आयोग की पद्धति से ऑनलाइन आवेदन किया, अगर नहीं किया है तो नहीं भरिए, यस किया है तो यस भरिए। उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आपको नाम, फादर नेम, आप यूपी के हैं या नहीं हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सभी कुछ आपको सेलेक्ट करना है, हाई स्कूल बोर्ड आपको, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सभी कुछ आपको यहाँ पे भर देना है, इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर ये भी आपको भर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी पद निकली हुई है उसका आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है ये भी यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, कैप्चा एंटर करने के बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मेक पेमेंट में जा करके आपको पेमेंट कर देना है, मतलब सेकंड स्टेज जो है इसकी वो पेमेंट की है, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। थर्ड स्टेज में आपको फाइनल प्रोसीड करना है, यानी कि फाइनल सबमिशन इसका थर्ड स्टेज का है, थर्ड स्टेज में आपको फॉर्म को प्रीव्यू करना है और फाइनली सबमिट कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हाउएवर इट इज़ क्लेरिफाइड कैंडिडेट एट द स्टेज ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हार्ड कॉपी उनको नहीं भेजनी है, किसी को भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 125 रुपये, अनरिजर्व के लिए भी 125 रुपये,
शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 65 रुपये, हैंडीकैप पर्सन के लिए 25 रुपये की फ़ीस का यहाँ पर बताया गया है कि इतनी फ़ीस लगेगी। आप अपना फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो गई है, कुछ हो गई है, तो उसमें मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछिएगा कि किस तरीके से करना है, मैं वीडियो बना करके आपको पर्सनली बताऊँगा कि किस तरीके से आपको करना है। कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर जो मेन एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट भी इसमें आपको बताई जाएगी। मैरिटल स्टेट आपका कुछ भी हो सकता है, मैरी या अनमैरिड कुछ भी हो सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर चार तरीके की पोस्ट निकली हुई है, चारों की एग्जामिनेशन की जो आपकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर के लिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस के लिए बीएससी आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए, और आप किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होना चाहिए, आप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉलोड बाय 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच में भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है जो कि बॉटनी में होनी चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए में आपकी एंटेमोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कई लोग एंटेमोलॉजी के लिए कमेंट कर रहे थे कि उसकी मेरी आई नहीं है वैकेंसी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, उसमें भी आई थी वैकेंसी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जा करके देखिए, अभी भी वो पोस्ट ओपन है कि उसको किस तरीके से भरना है आपको। तो इतनी तरह की पोस्ट आई हुई है, एज लिमिट आपकी 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, रिलैक्सेशन एज में गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा जिस तरीके से मिलता आया, आर्मी पर्सनल नेवी पर्सनल है आपको तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट सर्विस का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को ये कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। नोटिफिकेशन में आपकी आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फी डिपॉजिट करना है, फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद आपको फ़ोटो रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, फ़ोटो का मैं बताऊँगा किस तरीके से अपलोड करना है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए, कॉल लेटर इसी से डाउनलोड हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपका इसी से डाउनलोड वेबसाइट से हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो भी वो भी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपको और कोई दिक्कत आती है मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं। तो दोस्तों वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।